नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे जन्माष्टमी के ऊपर मैंने कई धूपों के बारे में आपको बताया है कि जन्माष्टमी पे आप जो है धूप सेवा के लिए, धूप नैवेद्यम के लिए, धूप निवेदन के लिए, धूप आरती के लिए जो है आपको कौन से धूप जो है वो ठाकुर जी को देना चाहिए। तो आज जो है मैं आपको अष्ट धूप के बारे में, यानी कि जिसे अष्टांग धूप कहा जाता है, उस अष्ट धूप के बारे में मैं आपको बताऊँगा जो कि जन्माष्टमी के दिन देना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि अष्टमी तिथि है, तिथि जो है वो अष्टमी है। तो इसलिए अगर आप अष्ट धूप से ठाकुर जी को धूप करेंगे, धूप निवेदन करेंगे या फिर आरती करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। ये अष्ट धूप जो है आप जन्माष्टमी के दिन आप जो संध्याकालीन हो, संध्याकालीन तो एक्चुअल में नहीं होता है, मतलब इस दिन अगर आप सेवा भी कर रहे हैं तो संध्या आरती के बाद ही पूजन किया जाता है। तो आप जो है रात्रिकालीन जो ठाकुर जी की पूजन आदि करेंगे उसमें, और उसके साथ साथ नंदोत्सव के जो आप पूजा करेंगे वो भी जो है आपको मतलब उस दिन भी जो है मध्याह्न में, जैसे कि आप ठाकुर जी को भोग आदि लगा रहे हैं तो उसमें भी आप जो है इस अष्ट धूप के माध्यम से उन्हें धूप कर सकते हैं, आरती आदि कर सकते हैं। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या हम जो उनके घर में शायद जो है वो वैष्णव नियम यानी कि गोस्वामी मत के नियम के अनुसार जो है उदया तिथि से मनाई जाती है, तो उदया तिथि में क्या सुबह के समय जो है मंगल आरती के माध्यम से वो जन्माष्टमी की पूजन शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल ये नियम भी है कि अगर आप गोस्वामी मत से जो है उदया तिथि मानते हुए पूजन करते हैं जन्माष्टमी के पूजन, तो आप सुबह 4 बजे यानी कि मंगल मुहूर्त से ही जो है पूजन स्टार्ट कर सकते हैं, और ये पूजन जो है वो आपको संध्या आरती तक करना होगा। इसमें जो है उदयातिथि की जो पूजन होती है उसमें जो है मूल रूप से जो है वो पूर्वान्न की पूजा ही इसमें होती है, उदयातिथि मानकर जो पूजन किए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है मतलब संध्या आरती के तक जो है आपको ये पूजन करना होगा, आरती आदि विधि जो है वो सब कुछ पालन करना होगा। उसके साथ कई लोग जो है कृष्ण जन्म आदि कराते हैं रात को, पर उदयातिथि यानी कि गोस्वामी मत के अनुसार पूजा का नियम जो है वो मंगल मुहूर्त से ही शुरू होती है और पूर्वान्न के भीतर ही ये पूजन जो है वो किया जाता है। गोस्वामी मत की पूजा असल में यही होता है, जो स्मार्त मत के अनुसार जो पूजन किया जाता है उसमें ही जो है जो है दोस्तों वो रात्रिकालीन जो पूजन होती है मूल रूप से, मतलब जन्म आदि कराए जाते हैं ना, वो नियम होता है। इस बार शायद अब जन्माष्टमी जो है वो एक ही साथ है, मतलब गोस्वामी मत और स्मार्त मत के एक ही साथ है। मैं इसे जो है जहाँ तक मैंने देखा था कि एक ही साथ जो है इस बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी गोस्वामी मत और स्मार्त मत के अनुसार जो है, ये मैं बाद में देखकर जो है ना आप लोगों को कम्युनिटी में बता दूंगा दोस्तों। तो आज जो है हम लोग अष्ट धूप के बारे में बात करेंगे। वामन पुराण में इस अष्ट धूप के बारे में कहा गया है कि जटा मानसिक कण, कण जो होता है वो एक प्रकार का खास गुग्गुल होता है, आप इसके जगह पर जो नॉर्मल गुग्गुल मिलता है वही जो है आप इस्तेमाल कर सकते। दारू, सुरधूप, अगरू, शर्करा, नखी और जातिफल, ये 8 प्रकार के जो धूप जो है वो आपको लेना है, और इन सारे धूपों को मिलाकर ही जो है आपको धुनुची धूप करना है। ये आप निवेदन के धूप में भी कर सकते हैं, ये आप जो है आरती के धूप में भी जो है दोस्तों कर सकते हैं। आप जन्माष्टमी के दिन और नंदोत्सव के दिन, ये दोनों दिन जो है ये अष्ट धूप करिएगा। अष्ट धूप ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, अष्टमी तिथि ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, अष्ट धूप ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हर चीज में देखिएगा, जैसे कि राधा रानी की भी अष्ट सखिया कही जाती है ना, तो वैष्णव मत में जो है ना इसलिए अष्टमी को या फिर 8 के ये जो संख्या होती है इसे बहुत शुभ माना जाता है। कई जगह पर 7 के संख्या को भी शुभ माने जाते हैं, पर 8 के संख्या को जो है विशेष कर जो है ना बहुत महत्व दिया जाता है खास दिनों में। तो अष्ट धूप जो है वो आपको करना चाहिए। तो अष्ट धूप में वामन पुराण के अनुसार जो है आपको जटामानसी कर्ण, कर्ण जो है दोस्तों वो गुग्गुल है, और इसके साथ दारू, सुरधूप, अगरू, शर्करा, नखी और जातिफल जो है आपको लेना है, और इसे जो है घृत के साथ मिलाकर जो है ना आपको धूप करना है। असल में जो शर्करा, घृत, मधु, चंदन ये सारे जो वस्तु है ना
आप हर समय मतलब ठाकुर जी के हर पूजा में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है और भी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ये जो आपके ना धूप के जो पद्धति आप कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा जो है सुंदर होता है, और भी ज़्यादा वो श्रीवृद्धि कारक होता है और संपूर्ण होता है एक तरह से अगर कही जाए तो। मतलब शर्करा घृत मधु चंदन अगर आप सारी धूपों के साथ, जहाँ पर ये लिखा नहीं भी है वहाँ पर भी आप अगर करते हैं, क्योंकि वैष्णव मत के अनुसार जो मतलब जिसमें हम धूप कर रहे हैं, जो काष्ठांगार आदि में हम धूप कर रहे हैं, काष्ठांगार का मतलब होता है जिसमें धूप चलाया जाता है, जैसे कंडे हो या फिर नारियल के छिलके हो या फिर कई प्रकार के वृक्षों की छाल में भी जलाया जाते हैं, तो उसमें जो है ना ये सारे वस्तु जो है गुग्गुल और सुरधूप के साथ अगर किया जाता है, यानी कि शर्करा घृत मधु चंदन, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो अष्टधूप जो है, अष्टधूप हो गया, जटामांसी हो गया, कण हो गया, इसकी जगह पर आप गुग्गुल ले सकते हैं, अगर ये कण वाली ये गुग्गुल आपको ना मिले तो दारू, सुरधूप, अगरू, शर्करा, नखी और जातीफल, इसके साथ जो है शर्करा तो इसमें लिखा ही है, तो इसके साथ आप जो है घृत मधु और पीत चंदन अगर ले पाते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अष्टधूप जो है वो जटामांसी, कण, दारू, सुरधूप, अगरू, शर्करा, नखी और जातीफल ही है, इसके साथ जो है आप घी, मधु आदि का भी इस्तेमाल करते तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और भी ज़्यादा पूर्ण होता है। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो 8 धूप है वो लिख दूंगा। दोस्तों आप जो है बामन पुराण के अनुसार ये जटामांसी, कर्ण, दारू, सुरधूप, अगरू, शर्करा, नखी और जातीफल के धूप ठाकुर जी को जन्माष्टमी के दिन आप आरती में उनके निवेदन में अवश्य करिए, और नंदोत्सव के पूजन में भी जो है आप अवश्य करिए दोस्तों। और जैसे कि जन्माष्टमी के तिथि आदि के बारे में कई लोग मुझसे कई मेल कर रहे हैं, तो मैं वो बता दूंगा। जहाँ तक मैंने देखा है, एक्चुअली मैंने पूरी तरीके से वो संपूर्णता नहीं देखा है अभी भी, पर जहाँ तक देखा है वहाँ पे जैसे कि मैंने जो देखा है कि वो गोस्वामी मत और स्मार्त मत में एक ही दिन में इस बार जो है जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसके बारे में जो है ना मैं फिर से एक बार सही तरीके से देख कर, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, मैं एक बार सही तरीके से देख लूँगा पंचांग जो है, उसके बाद ही जो है इस बारे में आप लोगों को कन्फर्म करूँगा। तो एक बार फिर से जो है अष्टधूप में बताकर ये वीडियो जो है वो समाप्त करता हूँ। अष्टधूप जटामांसी बामन पुराण के अनुसार, धूप विषय में बामन पुराण के लिखित अनुसार जटामांसी, कर्ण, दारू, सुरधूप, अगरू, शर्करा, नखी और जाति फल जो है वो ठाकुर जी के प्रिय अष्ट धूप है। ठाकुर जी की पूजा आप जिस रूप में भी कर रहे हैं, आप जो है बांके बिहारी रूप में कर रहे हैं, राधा रमन रूप में कर रहे हैं, गोपाल जी के रूप में कर रहे हैं, द्वारकाधीश के रूप में कर रहे हैं, श्रीनाथ जी के रूप में कर रहे हैं, हर रूप में जो है आप इस अष्टधूप ठाकुर जी को निवेदन कर सकते हैं और आरती आप अवश्य कर सकते हैं इससे। तो जन्माष्टमी और नंदोत्सव पर जो है आप ये अष्टधूप अवश्य करिए दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।